जिलाध्यक्ष, इस कार्यक्रम का संयोजक, आज इस भूख हड़ताल के कार्यक्रम में जो हमारा प्रदेश नेतृत्व के द्वारा 5 और 6-7 तीन दिन का भूख हड़ताल का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम ने लखनऊ मंडल के जितने भी जिले हैं वो सारे जिले प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारे रायबरेली जनपद के शिक्षा मित्र पूरे लाओ लश्कर के साथ इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हमने आगामी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय सांसद कौशल किशोर जी के आवास पे जो हम बैठे हैं, इनके द्वारा हमने बहुत बार ज्ञापन दिया, इनसे बहुत से लेटर लिखाए, लेकिन अभी तक हम शिक्षा मित्रों के साथ निराशा है, क्योंकि हमारे उन्होंने अपने संकल्प में, माननीय मोदी जी ने अपने संकल्प में रखा था कि हम जब हमारी सरकार बनेगी, केंद्र में बनेगी, उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार बनेगी और भारत मतलब केंद्र में भी मेरी सरकार बनेगी तो मैं शिक्षा मित्रों की सारी समस्याओं को 3 महीने के अंदर सुलझाएंगे, लेकिन आज तक वो 3 महीना नहीं हुआ है। अब हम लोगों के लिए कोई रुकावट नहीं है, हम लोगों का अब बहुत मनोबल डाउन हो चुका है, इसलिए हम लोग अपने सांसद जो हमारे संगठन के संरक्षक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इनके आवास पे हम बैठे हुए हैं। अब जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम इनके आवास पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आज हम आए हैं, कल हमारे बच्चे आएंगे और आने वाली 7 तारीख को हम अपने परिवार, अपने बाप, अपनी माँ के साथ यहाँ पे बैठेंगे और देखते हैं उस उत्तर प्रदेश की सरकार हमारा नहीं करती है। मैं इस आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार को भी बता देना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने, हमारे योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अगर वो हमारे साथ गद्दारी करते हैं तो मैं एक कहावत कहता हूँ, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत ना, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, मैं हम अपने गम से कब खाली, चलो हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली। मौजूदा सरकार से आपको उम्मीद है? हाँ, हमें मौजूदा सरकार से हमें पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये सरकार हमारी सरकार है, गरीबों की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री एक गरीब के घर बेटे हैं, हमारे योगी जी एक गरीब के बेटे हैं, हम भी एक गरीब के बेटे हैं, हम भी खेतों में हल चलाने वालों के बेटे हैं, हमारी बात को जरूर सुनेंगे। जो आज आप सांसद कौशल किशोर जी के आवास पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं, उससे आप क्या चाहते हैं, क्या मतलब उनसे उम्मीदें हैं? हम आज माननीय कौशल किशोर जी के आवास पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि कौशल किशोर जी हमारे संरक्षक हैं, हमारे बड़े भाई हैं। अब हम उनके दरवाजे पे बैठ करके सदन चलाएंगे और वो हम लोगों की मांग को लेकर के वो अपने सदन में अपनी सदन चलाएंगे, और हमारे सौभाग्य की बात है हमारे सांसद जी के साथ साथ हमारी भाभी जी विधायिका भी हैं, इस समय विधानसभा में भी सदन चल रहा है। हमारी भाभी जी से मेरी पूरी पूरी उम्मीद है, उन्होंने सुबह मुझसे वादा किया है कि तुम हमारे दरवाजे पे सदन चलाओ, हम विधानसभा में तुम्हारे पक्ष लेकर के सदन चलाओ। क्या आपको लगता है कि आपकी मांगों को उठाया जाएगा सदन? बिल्कुल, हमारी पूरा विश्वास है कि हमारी बातों को उठाया जाएगा, क्योंकि माननीय सांसद जी, माननीय विधायिका जी हमारे घर की, हमारे परिवार की है, और हमसे वादा भी किया है, हमारे घर की हैं, हम उनके और हम कहाँ मांगने जाएंगे, हमारे सिवा इनके सिवा और कोई नहीं है, ये हमको नहीं देंगे तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। आज आपकी मुलाकात हुई? हाँ, हमारी आज सुबह हमारे, क्या कोई आश्वासन दिया जी? हाँ, भाभी जी ने कहा है आप हमारे घर पे बैठिए, हम विधानसभा में आपकी बात को उठाएंगे। और आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है, हमारा 3 दिन का अनशन का कार्यक्रम है, भूख हड़ताल का 5-6-7 तीन दिन का है माननीय सांसद जी के यहाँ, और हम लोग पूरी उम्मीद से आए हैं। सांसद जी हमारे बड़े भाई हैं, हमने उनसे पूरी उम्मीद जताई है कि वो हमारा पक्ष सदन तक रखें और हम लोगों को न्याय दिलाएं, क्योंकि 1.5 वर्ष से अधिक हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को हारे हुए, अभी तक सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली है। हर बार मीटिंग बैठती है, कमेटी बैठती है, मीटिंग होती है, लेकिन हमारे पक्ष में आज तक अभी भी कोई फैसला नहीं आ पाया है। हम लोग इसलिए यहाँ बैठे हैं कि शायद अब सरकार हमारी बात सुन ले और जल्द से जल्द हमारे पक्ष में हमारी नौकरी हमको वापस करे, किसी भी तरह से वो करें, ये उनकी इच्छा, लेकिन हमें हमारा सम्मान जल्द से जल्द वापस मिले। अगर 5-6-7 में हमारी बात नहीं मांगी गई और हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंची, तो 21 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और वहां अपनी बात कहेंगे। पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मजबूरी सिर्फ आना है, इसको हमने जाना है, मजबूरी सिर्फ आना है।
Thanks for watching.